हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ ग्रामर फॉर क्लासेस 10th, 11th, 12th एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ग्रामर, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो दोस्तों, आज से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन समझना है तो सबसे पहले आपको इसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आपने इन चेंजेस को समझ लिया तो एग्जाम में आपके सभी सेंटेंसेज सही निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जो 8 टेंसेज हैं वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए। पहला जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट, जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पांचवा, पास्ट इंडेफिनिट, जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। छठवा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सातवा, पास्ट परफेक्ट, जो चेंज नहीं होता है, यानी ये जो टेंस होता है उसे नो चेंज रखते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। और आठवा जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी नो चेंज होता है। तो दोस्तों, ये 8 टेंसेस ऐसे थे जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पांचवा, पास्ट इंडेफिनिट, जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। छठवा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सातवा, पास्ट परफेक्ट है, ये नो चेंज होता है। और आठवा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी टेंस नो चेंज होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये 8 टेंसेज जो है ये समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं आपसे चेंज नंबर 2 की। चेंज नंबर 2, दोस्तों, इसमें आपको कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यदि सेंटेंस में आपको विल मिल जाए तो आप इसको चेंज कर देंगे वुड में। यदि सेंटेंस में शैल मिल जाए तो आप उसको बदल देंगे शुड में। कैन को बदलते हैं कुड में और मे को बदल लेते हैं माइट में। दोस्तों, ये थी चेंज नंबर 2। विल को वुड में चेंज करते हैं, सेल को शुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी चेंज नंबर 2। अब बात करते हैं आपसे चेंज नंबर 3 की। यदि सेंटेंस में आपको पहले से वुड, शुड,
could, might, ought to, used to, had better to, ये सारे वर्ड्स यदि आपको किसी भी सेंटेंस में पहले से वुड रखा मिले, शुड, कुड, माइट, ऑट टू, यूज्ड टू, हैड बेटर टू, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये नो चेंज होते हैं, यानी इनको बदला नहीं जाता है। दोस्तों इसके बाद चेंज नंबर 4, 5, 6 और 7, लेकिन वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं पहले पार्ट में आपको 3 चेंजेस पढ़ा रहा हूं, बाकी दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी आपके लिए बाकी के जो चेंजेस हैं वो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।